अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज हम ओपनेबल जो दरवाज़े होते हैं उनकी बात करेंगे। ये D50 हैं, बड़े वाला, इसमें ताला भी लगता है, तो ये पल्ले में इस्तेमाल होता है, रेगुलर जो दरवाज़े होते हैं। उसके बाद बारी आती है D50A की। तो ये जो होता है, ये जो ओपनेबल होती है, छोटी विंडो होती है, उनमें हम लगाते हैं ताकि इसका ख़र्चा कम आए। ये सस्ता होता है, 7 इंच के रेट में दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है D44A की। ये जेड टाइप होता है, जेड बना होता है, ये भी पल्ले में इस्तेमाल होता है। जो बाहर कंट्री हैं उनमें यही चलता है, D50A नहीं लगता, तो इसकी एक साइड पर गोला लगता है जिधर शीशा आता है। इसके बाद ये है D44, ये छोटा जेड होता है। ये जो छोटी ओपनेबल होती हैं वाशरूम वगैरह की, ये उनमें इस्तेमाल होता है। ये भी बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सऊदीया में, दुबई में, दूसरे जो ममालिक हैं ओपनेबलों में यही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इनकी पिक्चर आपको दे रहा हूँ। ये D59 है, ये ब्रिटी होती है, ये भी पल्ले में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये मूस वाली है, लेकिन जो पल्ले वाली होती है वो बगैर मूस के मंगवानी पड़ती है। इसमें भी पल्ला बन जाता है दरवाजे का, तो छोटी सी टी से जो छोटी ओपनेबल होती है उनका भी पल्ला बन जाता है। ये D52 है, D52, तो ये डिवाइडर होता है दरवाज़े का, सेंटर में जो डिवाइडर डालते हैं पार्टीशन करने के लिए, हिस्से करने के लिए, तो ये उसमें इस्तेमाल होता है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे लगाते हैं, वो आप देख सकते हैं। ये D57 है, ये कब्ज़ा होता है, जो दरवाज़े में कब्ज़े लगते हैं ये उनमें उसका एक हिस्सा है, तो ये लेंथों की शक्ल में मिलता है, फुटों की शक्ल में मिलता है और कटे हुए भी मिलते हैं। इसके बाद आती बारी D58 की, तो ये 7 इंच का रेट है, तो ये भी कब्ज़े का दूसरा हिस्सा है। ये जो हिस्सा होता है ये फ्रेम में लगता है, तो इसके पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ दरवाज़ों पर, कि दरवाज़ों पर कौन कौन से सेक्शन इस्तेमाल होते हैं, कौन से कब्ज़े कैसे लगते हैं। बाकी बात करते हैं फ्रेम की। फ्रेम D51 है, 4 इंच का होता है, ये इस्तेमाल होता है। इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि क्या रेट हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो पल्ले हैं उनके साथ ये वाले फ्रेम लगते हैं। ये 4.25 का है, D45 है। उसके बाद बड़ी थी D45B की। इन सब पर ये जो हम पल्ले दिखा चुका हूँ मैं, ये लगते हैं, कोई भी लगा सकते हैं इनके ऊपर आप। ये D54 है, 3 इंच का जो होता है, 75 mm चौड़ा होता है। और ये D42 है, ये भी पल्ले में, और सॉरी पल्ले का फ्रेम में इस्तेमाल होते हैं। ये सब फ्रेम में सेक्शन इस्तेमाल होते हैं। ये गोला इस्तेमाल होता है साथ में, जो मैंने आपको जेड दिखाए हैं D44 और D44 है, उसमें ये गोला इस्तेमाल होता है शीशे की तरफ। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।